नलायक, इसने बेकार कर दिया, इसने मेरा काम ही बेकार कर दिया। ये बेल जो है ना आगे तेरे कुछ नहीं बनेगा, ये गधा ही गधा ही रहेगा, ये उल्लू का उल्लू ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता ये लड़का, इसने मेरा जो है जिंदगी खराब कर रखा है, मेरा माता खराब कर रखा है। अगर हेलो पेरेंट्स, आज के इस पेरेंटिंग वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के अंदर हम कैसे सेल्फ रिस्पेक्ट लाए, कैसे बच्चों के अंदर हम आत्म सम्मान लेके आए, और कैसे बच्चा जो है आगे चलकर बेहतर सोच सके और कुछ नया करने की वो उम्मीद रख सके। तो मैं आप सभी जितने भी माता पिता है और जितने भी हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, जितने भी अगर गार्जियन के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। मैं बच्चों के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ा है, मैंने बच्चों को ट्रेन किया है, मैंने बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं देखता हूं कि किन किन चीजों की कमी बच्चों के अंदर होती है जो उसे माँ बाप नहीं दे पाते, इस वजह से बच्चा जो है एक आम सा व्यक्ति रह पाता है और वो साधारण सी जिंदगी जी के ही साधारण व्यक्ति बन सकता है और मेरे ख्याल से वो अपने माँ बाप से बेहतर नहीं कर पाता। तो आप किन गलतियों करते हो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप बच्चों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आए। आप सेल्फ रिस्पेक्ट होता क्या है कि आप बच्चों के अंदर आत्मसम्मान लेके आए। तो आत्मसम्मान कैसे आता है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अभी के जितने भी पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो माँ बाप होते हैं, वो परवरिश में क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले अपने बच्चों की मानसिकता, सोचने की जो प्रक्रिया होती है उसे खत्म कर देते हैं। किस तरह से करते हैं, सबसे पहले अगर बच्चा कुछ काम कर रहा है, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसे कहते हैं ए नलायक, इसने बेकार कर दिया, इसने मेरा काम ही बेकार कर दिया, ये बेल जो है ना आगे से कुछ नहीं बनेगा, ये गधा ही रहेगा, ये उल्लू का उल्लू ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकता ये लड़का, इसने मेरा जो है जिंदगी खराब कर रखा है, मेरा माता खराब कर रखा है। अगर ये सब अगर वर्ड आप कहते हो तो आपका बच्चा, आप उम्मीद करते हो बेहतर कर सकता है? मैं तो नहीं करता, उम्मीद नहीं कर सकता है। जब उसने एक गलती की, आपने उसको उतना सुना दिया तो वो दूसरी गलती करना ही नहीं चाहेगा। और आपको पता होना चाहिए कि इंसान जो है गलतियों का कठपुतला है, अगर एक गलती करता है तो वो उसकी गलती होती है। और बच्चे जो है बाय मिस्टेक बहुत सारी चीजें करते हैं, चाहे उसके हाथ से कोई पानी गिर जाए या कोई शीशे वाली चीज गिर जाए या उनका होमवर्क करना भूल जाते हैं, बच्चे याद करना भूल जाते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं कर पाते हैं और आप उसको पकड़ कर उसका दिमाग की मानसिकता छोटा कर देते हैं। इतनी ही आप उसको बात कहते हैं, इतना ही आप उससे मतलब कि मत पूछिए, आप इतना ही खरी खोटी उसे सुना देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी पेरेंट्स हैं, आप इस तरह काम मत करें। अगर गलती छोटी सी है उसको प्यार समझिए, बेटे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मेरा नुकसान हो गया, अब आइंदा नहीं करना, या ये करोगे तो गलत बात है, इससे हमें नुकसान होगा, हम तो इतने अमीर नहीं है। आप उसको बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारा आप उसे उदाहरण दे सकते हैं अपने लाइफ में, तो वो बेहतर कर सकता है। अब देखिए और क्या गलती करते हैं, मैं बता देता हूँ कि आप बच्चों के अंदर इज्जत करना खत्म करते हैं। बच्चों की भी इज्जत होती है, आपकी और हमारी, हर एक व्यक्ति की, पूरे यूनिवर्स में जानवर तक सबकी इज्जत होती है। आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। वो कैसे लेके आएंगे, आत्मसम्मान कैसे लेके आएंगे, मैं कहता हूं आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, पुलिस बनाना चाहते हो, आप इंजीनियर बनाना चाहते हो, आप जज बनाना चाहते हो, तो कैसे बनेंगे? ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बच्चा जज बन गया, बनाओगे, अगर वो कुर्सी पर बैठा है, अगर कोई आपके माँ बाप या कोई आपके रिश्तेदार आ गया और उसके माँ है, उसे कैसे कहेगी नहीं नलायक उठ, नहीं ना, वो जज बनेगा, जज साहब उठ जाइए, अभी कोई मेहमान आए हैं उनको बैठने दीजिए। तो वो उठ जाएंगे और कहेंगे ठीक है बैठ जाइए, उनके लिए भी एक और कुर्सी बैठ जाएंगे। और वही अगर छोटा बच्चा है, अभी जज नहीं बना, वो बैठा, तो आप उसे क्या कहेंगे, देना लाग उड़ो, बेल कहेंगे दिन भर बैठा रहता है। तो आपको इस तरह नहीं करना है, आप उसको शुरू से इज्जत देना स्टार्ट कर दीजिए। उसको बताइए कि बेटा तू अगर पुलिस बनना चाहता है तो तू मेरे पुलिस हो, अब पुलिस साहब आप कहाँ गए थे, प्यार से बोलिए, उसको भी लगे मेरी इज्जत हो रही है, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना है, जो मेरे माँ बाप का सपना है तो ये मेरा भी सपना है। तो क्या करता है, बैल तू कुछ नहीं कर सकता। इस तरह की बातें आप बोलते हो तो क्या आपके बच्चे का मानसिकता बढ़ेगा? एकदम नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं, आप अभी से अपने बच्चों को, छोटा ही है आप, कह के बात कीजिए, उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसको अच्छी से बात कीजिए, उसको आप साहब कहिए, आप उसको बड़ा कहिए, ये नहीं कि नलायक बेल, उसकी मानसिकता खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, क्योंकि वो सोचने की थिंकिंग पावर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला। जितने भी पेरेंट्स, अगर आपको मेरी बात कुछ समझ आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।